हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा जन जन तक पहुंचाना सर्वोच्च लक्ष्य, मुख्यमंत्री। फागलिया में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की शिरकत, बाड़मेर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत शनिवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हेलीकॉप्टर द्वारा सायं 4 बजे बाड़मेर जिले के सेड़वा तहसील स्थित फागलिया ग्राम में चौहटन विधायक श्री पद्माराम मेघवाल के यहां आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान हेलीपैड स्थल पर अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री शालेह मोहम्मद, बाड़मेर जिला प्रभारी मंत्री श्री सुखराम बिश्रोही, स्थानीय विधायक पद्माराम मेघवाल ने पुष्प गुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का स्वागत किया। मुख्यमंत्री का स्वागत करने बड़ी संख्या में ग्रामीण जन हेलीपैड स्थल पर एवं कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। फागलिया में आयोजित समारोह में उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बजट घोषणा में बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 50 यूनिट तक बिजली फ्री करने के साथ ही 50 से अधिक यूनिट खर्च करने पर बिजली की दरों में अनुदान देकर राहत प्रदान की गई है। वहीं आगामी 2 वर्षों में लंबित कृषि कनेक्शन आवेदनों का निस्तारण कर किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाड़मेर जिले में सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, जिसका उपयोग ऊर्जा के क्षेत्र में बाड़मेर अग्रणी बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राज्य सरकार के प्रयासों से पानी, बिजली, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक उन्नति हुई है, जिससे प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के साथ ही बड़ी संख्या में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जा रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में निःशुल्क उपचार व जांच के साथ दवाइयां फ्री दी जा रही है। वहीं राजकीय चिकित्सालयों में ओपीडी एवं आईपीडी में सभी प्रकार का इलाज मुफ्त किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन एवं कोविड सहायता जैसे प्रयासों को लागू कर आम जन को लाभान्वित किया गया है। कोरोना सहायता एवं प्रबंधन के क्षेत्र में राजस्थान की सराहना देश भर में हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास कर मरीजों को सुरक्षा प्रदान की गई थी। वहीं सामाजिक सुरक्षा की ओर से एक और कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को वृद्धावस्था में भी पूरी सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1,33,00,000 चिरंजीवी परिवारों की महिला, मुखियों और 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा में नरेगा के तहत कार्य दिवस को 100 दिवस से बढ़ाकर 125 दिवस किया गया है। वहीं खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2 रुपए प्रति किलो गेहूं व 3 रुपए प्रति किलो चावल प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि यूपीए की केंद्रीय सरकार के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लागू की गई महात्मा गांधी नरेगा योजना का लाभ अकाल प्रभावित क्षेत्रों में आम जन के लिए वरदान साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि 36 कौम मिलकर प्यार एवं मोहब्बत से रहें, तब यह देश आगे बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने मीडिया को निष्पक्ष भाव के साथ बिना किसी दबाव में कार्य करने की बात कही। इस दौरान अल्पसंख्यक मामलाता मंत्री शालेह मोहम्मद, बाड़मेर जिला प्रभारी मंत्री एवं श्रम राज्य मंत्री श्री सुखराम बिश्रोही, पूर्व राजस्व मंत्री एवं बायतु विधायक श्री हरीश चौधरी, चौहटन विधायक पद्माराम मेघवाल, राम सिंह राव, चौहटन महंत जगदीश पुरी, जिला कलेक्टर बाड़मेर श्री लोक बंधु, पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव, धनाव प्रधान क्षमा बानो, पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, हीरालाल बिश्रोही व जेके पटेल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।